भावना जैसवाल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे अरवी का जो पत्ता होता है मैं उसको चॉप कर रही हूँ, मतलब काट रही हूँ, क्योंकि मैं जो होता है ना लपेट के बनता है वो नहीं बना रही, क्योंकि इतना पत्ता नहीं मिला, पत्ता बहुत छोटा था। तो मैं कह रही हूँ मैं इसका पकौड़ी बना देती हूँ, पकौड़े भी बहुत टेस्टी लगते हैं इसके। तो मैं पत्ते को काट रही हूँ और एक तरफ में बंडे की सब्ज़ी बनती है। तो मेरे वहाँ बनता है क्या, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। मेरे वहाँ बनता है बंडे की सब्ज़ी, खड़े उड़द की दाल, चावल दाल वाली पूड़ी और चावल मीठा चावल बखीर उसको बोलते हैं, और बनता है ये अरवी पत्ते की सब्ज़ी। और 12 होता है जो उड़द की दाल का बनता है, 12 वो होता है, 12 बनता है। और उसके बाद वो चाय बनता है, काला वाला चाय चढ़ता है, और बनता है नहीं, बस इतना ही बनता है। तो ये देखिए मैं दाल वाली पूड़ी बनती है, सॉरी दाल वाली पूड़ी बनती है। तो ये देखिए मैंने दाल को एक सीटी लगा के, दाल को मैंने रात में भिगो दिया था और फिर मैंने उसको एक सीटी लगा के छौंक दिया था, छौंक के एक सीटी लगा दिया था। फिर मैंने इसको मिक्सर में पीस लिया और ये देखिए मैं ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ। और उधर आपको दिख रहा होगा मैंने वो जो रिक्वेस्ट का पत्ता था मैं उसको चॉप कर लिया, उसमें बेसन मसाले हल्दी जो भी नमक डालना रहता है मैं वो सब डाल दी हूँ। अभी इसको मैश करूँगी, तब तक मैं कोई और काम कर लेती हूँ, बहुत काम था। सुबह 5 बजे उठी हूँ, घर धुली हूँ, नहाई हूँ, लड्डू गोपाल को नहलाई हूँ। पितर पक्ष में पूजा नहीं करते पर लड्डू गोपाल को मैं डेली नहला के भोग लगा देती हूँ। तो ये देखिए मैं धुइया को पीसने की तैयारी कर रही हूँ। मैं सोच रही थी लाइट चली जाएगी तो जो भी काम है पीसने वाला लाइट वाला मैं जल्दी कर लूँ। और ये मेरी बेटी जब ब्लॉग बना रही थी तो मुझे पता नहीं था, ये देखिए पूरा अंधेरा अंधेरा सा हुआ है, लाइट है फिर भी अंधेरा अंधेरा सा हुआ है, अंधेरा अंधेरा आ गया है। जितना उसको समझ था वो बनाई है, देखिए, नहीं तो हम तो कुछ भी नहीं बना पाते, क्योंकि मैं बिल्कुल व्रत ही थकी थी, मैं अपने काम में ही मन लगाई थी, बाद में देखी हूँ। ये देखिए मैं मिक्सर में उस धुइए को पीस रही हूँ और एक तरफ मैंने बंडे को फ्राई कर रही हूँ। तो फिर उसको चलाते भी देखते भी रहेंगे ना, और उसके बाद वो भी रहेगा, वरना भी डर लगता है। मैं जैसे दूसरा काम करने लगो तो फिर पहला काम बेकार हो जाता है, तो इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो ये देखिए अब धुइया पीस रही है, पीस जाएगी, इसको फेंट के रख देंगे। इधर देखिए मैंने बंडा निकाल के उसमें मसाले डाल दिए हैं, मसाले भी मैंने सरसों के मसाले में बनाए हैं, ठंडा गरम मिला के, इसमें ठंडा गरम दोनों मिला के बहुत टेस्टी लगता है। तो अब मैंने देख लिया कि वो ब्लॉग बना रही है। इधर देखिए मैं दाल वाली पूड़ी बना रही हूँ, फटाफट इसको भर रही हूँ। अकेले परेशान हो गई थी कैसे कैसे क्या होगा। इधर देखिए धुइया फेंट के मैं रख दी हूँ, इधर पूड़ी छान लूँगी तो इसको भी तेल में छान के निकाल लूँगी। तेल में छाना हुआ चीज़ का सोन सोन सा स्वाद आता है और रिफाइंड का अजीब सा आता है। ये देखिए तेल गरम होने के लिए मैंने रख दिया है कढ़ाई में, और एक तरफ कुकर में दाल रख दिया। जो उड़द वाली दाल होती है खड़े उड़द की, जल्दी गलता नहीं है, तो मैं उसको रख दी हूँ। सब्ज़ी बन गई है, सब्ज़ी खाली कर दी हूँ और कुकर में दाल चढ़ा दी हूँ। मैंने एक पूड़ी डाला है कि देखिए तेल गर्म है कि नहीं, तो देखिए एकदम बॉल की तरह पूड़ी फूल गई है। और इधर मैं दाल वाली पूड़ी को बेल के छानने जा रही हूँ। एक तो व्रत रहो, ऊपर से इतना काम रहता है, मैं सोची जल्दी से फटाफट कर लेती हूँ। काम कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा व्रत की वजह से था, लेकिन मैंने काम बहुत फटाफट कर लिया था, सब कुछ मैंने फटाफट बना लिया था। ये देखिए मेरी पूड़ी भी तल गई है, मैं तल तल के पूड़ी निकाल रही हूँ।
सब्जी बन चुकी है, पूड़ी बन तल के निकाल के उसे मैं पकोड़े भी छान लूँगी, फिर बड़े भी छान लूँगी। ये देखिए, ये है माड़ जो सास को चढ़ता है, मैंने निकाला। और ये है चाय, अदरक और चीनी से पका रहे हैं हम। मैं अदरक की चाय नहीं पीती क्योंकि मेरे गले में जलन होती है, पर मुझे पीना पड़ेगा। ये देखिए दालोली पूरी बन गई है, ये देखिए सब्जी बन गई है, दाल बन गई है। दाल में मैंने घी और जीरे से तड़का मारा। ये देखिए बारे और पकौड़े बन गए हैं, जितना बनाना था मैंने। तब मैं ऊपर आ गई हूँ और देखिए मैंने पूजा कर लिया है। अब मेरी बेटी माथा टेक रही है दृष्टि, जब पूजा होने के बाद बच्चे को जूतियाँ पहनाते हैं, टीका लगाते हैं। ये देखिए, मैं एक हाथ से ब्लॉग शूट कर रही थी, एक हाथ से मैं जूतियाँ पहना रही थी, तो मेरी बेटी ने खुद ही हेल्प करके पहन लिया। ये देखिए, और ये देखिए, ये सासू माँ हैं, ये सासू माई जो साड़ी हम लोग कल चढ़ाए थे उन्हीं की सासू माँ बनाते हैं और उनको जूतियाँ पहनाते हैं, और जितना भी खाना बन जाता है वो सब यहाँ पे चढ़ाते हैं। देखिए इनको भी टीका लग गया है, ये भी माथा टेक रहे हैं। ये बहुत तेज़ी में रहता है, मेरा बेटा स्लो नहीं रहता है, ये एकदम गाड़ी पे सवार रहता है कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। तो ये देखिए, इसको मैं जूतियाँ पहना रही हूँ। ये मेरा जूतियाँ मांग रहा था पहनाने के लिए, मैंने बोला बाद में, तो मैं इसको पहनाई थी वो वाला भी। तो देखिए मैं भी माथा टेक ले रही हूँ, मैं भी सासू माँ का आशीर्वाद ले रही हूँ, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे सास ससुर नहीं थे गाइस, तो मैं सासू माँ का आशीर्वाद ले लूँ। न रहने पर भी आशीर्वाद लिया था, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद हमेशा ही साथ होना चाहिए। तो थोड़ा देर पूजा के पास बैठा जाता है और फिर चना और क्या कहते हैं उड़द की दाल को पानी से घोटा जाता है, और फिर खाना चढ़ा के पानी से उसको औछ दिया जाता है। ये खाना जाएगा नदी, ये दोपहर में बच्चे लेकर जाएंगे अपने अंकल के साथ नदी। चाची से बोल दिए हैं अगर आप भेजिएगा तो मेरा भी भेजिए, क्योंकि इनके पापा हैं नहीं, अब बच्चे इतने बड़े हैं नहीं कि चले जाएंगे, इसीलिए भेजना पड़ेगा। ठाकुर जी खुश रहिए, बहुत अच्छे हैं, अभी बहुत अच्छे हैं। गाइस अब मैं कुछ खाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये जो चढ़ता है सासू माँ को, इसी में से आधा चढ़ता है और आधा बहू को खाना पड़ता है, मेरे वहाँ का ही रिवाज है। ये देखिए मैंने बनाया दाल वाला पूड़ी, चावल, उड़द वाली दाल, बंडे की सब्जी, और ये अरवी के पत्ते की पकौड़ी, और धोइया का बरी, उड़द के दाल का वो क्या बोलते हैं जी, बारा, और मीठा वाला चावल। तो मैं खाने जा रही हूँ, मैं खा के मिलती हूँ। हेलो गाइस, तो मैं बच्चों को खाना खिला रही हूँ। अगर मैं अपने हाथ से खाना ना खिलाऊं तो इन लोगों को खाना नहीं खत्म होगा। हाजिर हमको बहुत परेशान करता है गाइस, इसे बोल दीजिए हमको परेशान ना किया करे। गाइस हम सिर्फ कार्टून देख रहे हैं। तो गाइस मैं खा रही हूँ आइसक्रीम वाली कुल्फी, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आज इतनी तेज़ धूप थी ना, इतनी तेज़ धूप थी कि इतनी गर्मी हो रही थी, उसी में मुझे मिल गई ठंडी ठंडी आइस, खा के आ गया मज़ा। तो गाइस बच्चे अपने अंकल के साथ नदी गए थे खाना डालने, खाना डालने के बाद ये देखिए बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। मैं भेजी थी इन लोग को नदी काम से, तो इन लोग का इंजॉयमेंट हो रहा है। ये देखिए हर्षित जहाँ रहेंगे वहाँ खुरपाती तो होगी ही,
तो ये गाय को मार रहे थे तो गाय इनको भी मारने लगी, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं मारे। तो ये अपने आप को ये नहीं मान रहा था कि मुझे गाय मारी है, कह रहा मैं गाय को गिरा दिया, इसने बोला मैं गाय को गिरा दिया। ये कभी हार नहीं मानता है गाइस, ये बहुत खुरापाती लड़का है मेरा, अंडरटेकर लड़का है। ये देखिए नदी, बोट, देखिए कितना खूबसूरत व्यू है ना, आसमान कितना प्यारा लग रहा है ना। ये देखिए बकरी, गाय, जो भी खाना जाता है तेलो खाते होंगे। हेलो फैमिली, शाम का समय हो गया है। अभी मैं हम लोग उठे हैं, मुँह धुले हैं और जो काम था काम किए हैं, बर्तन वर्तन धुले हैं देखिए, उसके बाद अब हम लोग बैठे हैं। आप लोग ने कभी शाही पकौड़ा खाया है? अगर जो नहीं खाया है मैं आप उन लोग को दिखाऊं, आप लोग बोलो दिखाऊं शाही पकौड़ा, बहुत ही टेस्टी होता है और कम बजट में मिलता है और बहुत ही टेस्टी होता है। दिखाऊं कि नहीं? दिखा देती हूँ। चंचना ये देखिए, ये है शाही पकौड़ा, सिर्फ 1 रुपए में, खाइए और मस्त हो जाइए। तो हम लोग का खाना पीना हो गया है, अब हम लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत थकान हो गया है, बहुत सारा कपड़ा था वो धुले हैं, बर्तन धुले हैं, घर साफ किए हैं, अब हर्षित नमकीन खा रहे हैं। हर्षित चलो बेड पे आ जल्दी से, तो हम लोग सोने जा रहे हैं। गुड नाइट, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ आप लोग अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है। बाय बाय।